मी एकदाच नेली 140 वर, तर मला तो रोड थोडा हे झाला ना, असं वॉबल झाली मी स्टॉप केली. चलो आज इंटरसेप्टर चला. थँक्यू. जाताना नंतर बघूया कशी. ओके ओके, हे मेटल लागतं इथे. ओके हा, मस्त बसते म्हणजे राहत असेल ना सामान. आणि एक काय इथे पॅनियर आहे, त्याची 7 kg होती ना लिमिट. अरे किती ठेवू शकतो ते, काही नाही. याचं काय कामाला येतं का विंडस्क्रीन? नको नको इथे नको, निघताना मला हायवेला बघायची होती जेवढी. हायवे लागला ना, थोडासाच हायवे आहे, हायवे थोडासाच आहे आता. चल 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 निघूया. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये GoPro 9 से 4K 60 FPS में मैंने शूट किया, और मेरा इंटरसेप्टर 650 रॉयल इनफील्ड का एक्सपीरियंस है. तो ये मैंने मेरे दोस्त का तुषार का ट्राई किया कुर्जे डैम से आते वक्त. ये जो आएगा अभी ये तलासरी का RDO पोस्ट आएगा, वहाँ से मैंने चलाना स्टार्ट किया, और अगले जो नेक्स्ट टोल आएगा वहाँ तक मैंने चलाया अगले टोल तक. तो वही रोड तो अच्छा मिला मुझे. मैं ट्राई कर रहा था कि मैं 160, 140, 120 के ऊपर जाऊं, ताकि मैं ट्राई कर सकूं. मैं वैसे 140 पे जा चुका था, पर 140 के बाद वो थोड़ा वॉबलिंग इशू मुझे लगा, थोड़ा हैंडल बहुत ही शेक कर रहा था. जब रोड थोड़ा अनइवन आया तो मैंने एक्सेलेटर देना छोड़ दिया, अदरवाइज गाड़ी में वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं है, और गाड़ी सुपर तरीके से पिकअप पकड़ती है. और रॉयल इनफील्ड का 650 का इंजन है जो एकदम स्मूथ है 2 सिलेंडर के साथ, तो उसमें वाइब्रेशन सच में नहीं है. और बाकी ये गाड़ी का परफॉर्मेंस, इसका पॉजिटिव्स का बात करें तो इसमें वाइब्रेशन नहीं है, मैक्सिमम स्पीड 160 तक जाता ही है. ओके, ये स्मूथ इंजन है, वैसे उसमें ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं. तुषार ने भी बताया कि 120 पे एक बार उसने ब्रेक मारा था, और सच में इसके ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं. रॉयल एनफील्ड ने वो एक अच्छा काम किया है इसमें. बाद में ये लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत बेस्ट है. मतलब तुषार ने तो पूरा जयपुर अपना उदयपुर तक गया था ये वन शॉट में, सुबह 5 बजे निकला था. तो ये मशीन लॉन्ग राइड के लिए बहुत बेस्ट है. और पर इसमें नेगेटिव पॉइंट्स कुछ है, लाइक इसका 13 लीटर का ही टैंक साइज है, तो आपको 250 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा. वॉबलिंग इशू है, पर शायद वो ठीक हो सकता है. लाइक उसका रॉड जो है आगे का एक्सेल रॉड जो होता है, या शॉकअप से जो आगे के रहते हैं, वो थोड़े अच्छे कर दिए तो शायद अच्छा हो जाएगा, वॉबलिंग इशू इतना आएगा नहीं. पर ये सिटी राइड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके 2 सिलेंडर है साइड में, और प्लस इसका एवरेज भी थोड़ा कम है. लाइक 20 तो मिल ही जाता है, तो 20 और थोड़ा उससे ज़्यादा, तो उतने के लिए. पर सिर्फ 2 सिलेंडर की वजह से वो सिटी राइड्स के लिए इतना थोड़ा कहाँ पे भी टच हो सकता है. बाकी इसमें अभी नया वर्जन जो आया उसमें अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर आ गए, इसमें तो है नहीं, ये इसमें पिरेली के टायर से. तो अभी तक मॉनसून का एक्सपीरियंस नहीं है, पर टायर तो अच्छे ही है. तो मैं यही चाहता था कि मेरे अपडेट के हिसाब से इसमें अगर नाइट्रोजन डाला टायर्स में, इरिडियम्स के स्पार्क्स प्लग डाले, तो इसका एवरेज बढ़ जाएगा, इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा. इसमें पावर पेट्रोल डाला तो और स्मूथली ये 120 तक जाएगा, और फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल और इरिडियम स्पार्क प्लग डाला ना, तो ये KTM 390 जो आया है नया वाला, उससे भी भारी स्पीड में है जाएगा, और पिकअप भी जल्दी लेगा, एक्सेलरेशन जल्दी पकड़ेगा स्टार्टिंग में. तो मैं वही रिकमेंड करूँगा कि इतने सब अपडेट कर लो अगर आप इंटरसेप्टर 650 ले रहे हो, तो ये गाड़ी का एक्चुअली एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में बढ़ जाएगा वो स्पार्क प्लग से, और एवरेज भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो स्पार्क प्लग से पूरा पेट्रोल बर्न हो जाएगा, तो गाड़ी का परफॉर्मेंस भी एकदम ऑप्टिमम मिलेगा. तो ये देखो मैं वैसे 140 तक जा चुका था, सीनेरी भी अच्छा आ रहा है GoPro से 4K 60 FPS पे. और ये मैं तो सोच रहा हूँ अभी इसका जो नया क्रूजर आएगा 650 वही देखूँ, उसके साथ अगर वो ट्रिपोमीटर भी आ गया जहाँ पे ट्रिपोमीटर नहीं, वो जो डायरेक्शन दिखाता है वो आया, तो वो बेस्ट हो जाएगा. विंडस्क्रीन इसका छोटा है तो उसका मुझे इतना इफेक्ट दिखा नहीं, बाकी स्मूथली जा रहा था, पिकअप करने के लिए इजी पड़ रहा था. और 250 का रेंज ही मिलता है, हाई स्पीड पे थोड़ा वॉबलिंग इश्यू होता है, यही इसका था. और क्रूज़र के लिए मैं वेट कर रहा हूँ,
क्रूजर में क्या होगा, इसका जो सीटिंग पोजीशन थोड़ा कम होगा और इसके सिलेंडर भी तो थोड़े नीचे रहेंगे, तो अगर मेरी माँ को या किसी को भी साड़ी पहन के या ऐसे नॉर्मली बैठने के लिए बाइक इजी पड़ेगा। नहीं तो इसका जो है, इसका पीछे का दो सिलेंडर ऐसा अप साइड है तो पीछे बैठने के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम होता है। पर ऐसा बाइक लॉन्ग राइड के लिए बहुत अच्छा है, आपका टाइम भी बच जाएगा। पर मैं वही बोलूँगा कि इसको लॉन्ग राइड के लिए यूज़ करें, सिटी राइड्स के लिए नहीं। इससे टाइम बचेगा और इससे मतलब थकने को ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छा है, इसमें वाइब्रेशन कम है। इसकी वजह से ये मेरा बाइक भी जा रहा है बाजू से, और मेरा बाइक तो बहुत वाइब्रेट हो रहा था क्योंकि वो बहुत नया बाइक है। चलो, अगर अच्छा लगा वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है ये GoPro 9 से 4।